अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम है बरार, आप देख रहे हैं टेक्नो बरार। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम रिव्यू करेंगे 9.2.18 का दोस्तों, जो एक क्लोज बीटा रूम है। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों रिव्यू किया था मैंने 9.2.14 का, लेकिन मैंने वो डाला नहीं क्योंकि वो सस्पेंड हो गया और 9.2.15 आई। लेकिन दोस्तों पता नहीं यार, मैंने वीडियो भी बनाया लेकिन उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मैंने नहीं बताए थे, नहीं तो मैंने सोचा कि अब अपलोड नहीं करते इस वीडियो को। और मैंने फ्लैश किया नई रोम 9.2.18। वीडियो स्टार्ट होने से पहले दो बातें बता दूँ, अगर आप रेडमी नोट 5 प्रो, रेडमी नोट 6 प्रो और रेडमी वाई 2, इन तीनों में से कोई सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और आपको चाहिए दोस्तों कि आप बीटा टेस्टर बने एंड्रॉयड पाई के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप आपके मी फोरम पे रीडायरेक्ट कीजिए, फिर आप आपके आईडी से साइन इन कर लीजिए और यहाँ पे आइए। मैं इसके ऊपर अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा जैसे ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आके कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन बुटलोडर अनलॉक चाहिए, TWRP ये आपको नहीं चाहिए, लेकिन उसके बारे में आप देख सकते हैं। शुड हैव इंटरेस्ट टेस्ट एंड सम नॉलेज अबाउट रोम्स, नॉलेज होना चाहिए रोम के बारे में, बुटलोडर के बारे में, फ्लैश MIUI रोम्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, और बुटलोडर अनलॉक होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग डेडिकेटेड थोड़ी देर में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका इंटेंशन एक ही चीज़ के लिए, वो है इसका फेस लॉक। दोस्तों आप लोग अब कहेंगे भैया फेस लॉक तो हमें मिल जाता है, मैं उस वाले फेस लॉक की जो हमारी होम स्क्रीन पे लगाते हैं उस वाले फेस अनलॉक की बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं इन ऐप यानी ऐप लॉक में फेस अनलॉक। यस दोस्तों, आपको ऐप लॉक में फेस अनलॉक मिल जाता है। जब हम चलते हैं ऐसे सेटिंग में तो आप देख सकते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड में देख सकते हैं, चेंज योर पासवर्ड, शो पैटर्न, अनलॉक फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एंड ऐड मी अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, फेस अनलॉक, अनलॉक ऐप यूजिंग फेस डाटा, तो वो ठीक तरह से काम कर रहा है। अगर आपको ये रोम फ्लैश में रेकमेंड करूँगा कि ना करें, क्योंकि कल शाम को ही आ जाने वाली है, कल शाम या है तो आपको मंडे तक तो रोम आ ही जाएगी, शायद उसमें हमें फेस अनलॉक मिल जाए। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी पेज आपको 1 फरवरी का मिलता है, और 1 फरवरी का मिलता है, आपको एंड्रॉयड 8 ही है। आपको बीटा टेस्टिंग अगर मैं शायद बनूँ या फिर आप बने तो यार आप बन जाए तो अच्छी बात है, अगर मैं बनता हूँ तो उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर कोई मुझे अपडेट मिलता है, लिंक मिलती है, आपको शेयर करूँगा, डू नॉट टेंशन। ठीक है, तो और दोस्तों मैं दूसरी बात बताना आपको भूल गया कि दोस्तों प्लीज़, अगर मैं यूट्यूब से कुछ भी अर्न नहीं करता, अर्निंग मेरी यूट्यूब से नहीं होती, ना मुझे स्पॉन्सरशिप अभी मिल रही है, अगर आप मेरे वीडियो से खुश हो और अगर आपने थोड़ा बहुत मुझे डोनेट करना चाहते हो हमारे चैनल टेक्नोब्रार को, पेटीएम के थ्रू आप मुझे करना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाइए, आपको QR कोड एक मिल जाएगा, QR कोड को सेव कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी QR कोड को डाउनलोड कर लीजिए और आप जाइए अपने पेटीएम में स्कैन एंड पे, अगर आप मुझे करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, एज यू विश। अगर आपकी विश है कि मैं नहीं कुछ करूँ तो इससे मेरी हेल्प होगी कि ताकि तो मैं थोड़ा अर्न करूँ, तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें चाहता हूँ कि चैनल के लिए लाऊँ, जैसे हमारा स्टैंड, जो स्टैंड है वो अभी 2-3 दिन पहले टूट गया, मैं लाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए दोस्तों 1000-1500 रुपये चाहिए, जो मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं एफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आपको मुझे डोनेट करना है तो यार कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, ऐसा नहीं आप कीजिए, एज यू विश, आपको करना है तो कीजिए वरना नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐप वर्ल्ड में दोस्तों थोड़े फीचर्स आपको मिल जाते हैं, मूवमेंट्स में ट्विटर पे जो हाईलाइटेड है, मैं दोस्तों इसमें फीचर दोनों के कवर करूँगा, जो पुरानी प्रीवियस हमारी बीटा रूम थी उसके भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आपको ट्विटर के जो मिलते रहेंगे, अगर आप यहाँ पे टैप करेंगे रिफ्रेश पे तो ये रिफ्रेश भी होता रहेगा। फिर दोस्तों यूटिलिटीज़ में दोस्तों थोड़े चेंजेस हुए, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और बढ़ाई गई है, ऑल ऐप्स पे टैप करेंगे तो इस पर काफ़ी सारे शॉपिंग, फूड, बस बुकिंग, आपको जो मी कैलकुलेटर मिलता है, ये BMI एज, वो सब आपको डायरेक्ट नीचे अब मिल रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे आपको कुछ रिचार्जेस के, फूड डिलीवरी के ऑप्शन मिल जाते हैं, और जो हमारी यूटिलिटीज़ में हमें करेंसी सब जो चीज़ें मिलती है कैलकुलेटर में नहीं मिलती, पहले मिलती थी
लेकिन अब निकाल दी गई है, पहले ही निकाल दी गई थी। ठीक है, आप यहाँ से इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता कुछ चीज़ों का। मैं आपको एक बार फिर से यूटिलिटी में दिखा लेता हूँ, और एप्स, BMI, डेट, डिस्काउंट, एज और परसेंटेज, और मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कहीं पे भी हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया फेस अनलॉक आपको इसमें मिलेगा ऐप लॉक के लिए, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। डुअल वोल्ट काम कर रहा है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ सब कुछ काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। डिस्प्ले सब कुछ आपको एज इट इज़ वैसा ही मिलता है। अगर हम चलते हैं मी अकाउंट में, तो दोस्तों मी अकाउंट में थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा लेआउट चेंज किया गया है। मी क्लाउड का दोस्तों थोड़ा सा चेंज किया गया, आप देख सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज की गई है। ये कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं आपको ना, ये अभी भी आप पबजी HD में नहीं खेल पा रहे हैं, 4K रिकॉर्डिंग इसमें सपोर्टेड नहीं है। ठीक है गाइस, अभी भी 4K आपको नहीं मिलती, तो कॉलिंग सब सब कुछ ठीक तरह से हो रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। और दोस्तों इसके अबाउट सेक्शन में चलते हैं, व्हाट्स न्यू में, तो दोस्तों मैं ये बीटा, तो गाइस मैं बीटा टेस्टर नहीं हूँ, इसीलिए दोस्तों मुझे यहाँ पे व्हाट्स न्यू में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर हम यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको और फीचर बता देता हूँ जो आया है इस रोम में या फिर इससे पहले की रोम में। अपडेट सेटिंग में दोस्तों आपको रिसीव अपडेट अर्ली, अगर कोई भी अपडेट पुश होता है तो आधे एक घंटे के लिए रहता है कि कोई भी अपडेट कर सकता है, इसके बाद वो अपडेट बंद हो जाता है, फिर उसे हम थोड़े दिनों के बाद ही अपडेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों, इसे हम अगर इनेबल कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा अगर कोई अपडेट आता है तो। ठीक है, तो इसे आप इनेबल रख सकते हैं। फिर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मैं चलता हूं अपने चैनल के लोगों पे, यहां से टैप करता हूं और कोई भी एक सा वीडियो चूज़ कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये मैसेज का कर लिया, मैं अपनी आवाज़ को यहां से बंद कर लेता हूं। फिर दोस्तों नीचे आते हैं, तो हम यहां पे कोई, यहां से मैं इस लिंक पे टैप करता हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों आपको कुछ अलग ऑप्शन मिल जाता था ऑलवेज और वंस का। अब यहाँ पे आप कोई सा भी टैप कर लीजिए, फिर अगर आप ऑलवेज पे टैप करेंगे तो आपको यहीं से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया ऑप्शन है आपको कुछ अलग। यहाँ पे ऊपर रेकमेंडेड ऑप्शन में आपको मिलता है म्यू ब्राउज़र, एड्स, तो Xiaomi कभी भी नहीं छोड़ता आपको यहाँ पे भी एड्स देखने, ये एक तरह की एड ही है आप कह सकते हैं, ये एक तरह की एड है। फिर दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट बात करूँ तो फाइल मैनेजर में दोस्तों कुछ चेंजेस हुए आपको नए, अब तीन ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से हिडन फोल्डर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, अब पहले आपको थोड़ा अलग मिलता था। तो आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।